बुहारी मौके पर आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट घोषित कर रखा है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में भी पुलिस आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से होली के त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। होली के त्योहार को देखते हुए केंद्र से मिले इनपुट के चलते पुलिस मुख्यालय सतर्क हो गया है। केंद्रीय एजेंसियों से मिले अलर्ट के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राजधानी जयपुर में भी पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रंगों के त्योहार होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के साथ ही कानून व्यवस्था की पालना करने की अपील भी की गई है। पुलिस ने शहर की सीमाओं को सील कर सघन जांच शुरू कर दी है। त्योहारी मौके पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ ही होटल, गेस्ट हाउसों में भी जांच की जा रही है। धुलंडी का त्योहार में हमेशा ही ज्यादा संवेदनशीलता होती है, उसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। धुलंडी में जो भी डिप्लॉयमेंट है वो मॉर्निंग से लग करके दोपहर बाद तक डिप्लॉयमेंट रहेगा, ताकि जो भी लोग धुलंडी के त्योहार को आनंद उठाने वाले हैं वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से होली का आनंद उठा सके। रंगों के त्योहार होली को लेकर राजधानी जयपुर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। होली पर शराब पीकर उत्पात मचाने, पर्यटकों से छेड़छाड़ करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। कानून व्यवस्था की पालना कराने के लिए जयपुर में करीब 6000 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर रेट RAC, QRT और ERT के जवानों को शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मॉनिटरिंग के लिए लगातार गश्त कर रहे हैं। त्योहारी मौके पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस शहर में लगे तमाम CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरों के जरिए भी अभय कमांड सेंटर के जरिए निगरानी रख रही है। शराब पीकर के हुड़दंग को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता है। हम हर बार इस चीज की व्यवस्था करते हैं कि होली में जो भी लोग निकल रहे हैं वो वाहनों से कम निकले, खासतौर से दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल सीट बिल्कुल अलाउ नहीं की जाती है। हम इस बार भी और सख्ती रखेंगे, ताकि कहीं पर भी लोग दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल सीट निकल करके कोई उत्पात नहीं करें। जो भी शांति से अपने ग्रुप्स के साथ भी कहीं जाना चाहते हैं उसमें किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन वो ध्यान रखें कि अनावश्यक का हुड़दंग, ऐसे लोगों के साथ में किसी तरह की होली खेलने का प्रयास वो नहीं करें जो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आप अपने ग्रुप के साथ होली खेलें। पर्यटक जो आए हुए हैं यदि वो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें अनावश्यक अपने साथ इंगेज नहीं करें। बहुत सारे पर्यटक हैं जो होली देखना तो चाहते हैं पर वो होली खेलना नहीं चाहते, तो उन्हें अनावश्यक इंगेज नहीं किया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की जाए। होली पर प्रदेश भर में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद पुलिस अधिकारी भी पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच होली का त्योहार होने से पुलिस खास सतर्कता बरत रही है।